बाढ़ बारिश की वजह से देश भर से हर रोज मकान गिरने की खबरें भी आ रही हैं। ताजा खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से आई है, जहां जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुलाबगंज में एक 3 मंजिला मकान देखते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस मकान में कैलाश चौरसिया का परिवार रहता था। 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से कैलाश चौरसिया की पत्नी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कैलाश का बेटा अर्पित भी बुरी तरह से जख्मी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।